राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यालय में अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक के पद पर कार्यभार संभालने पर शनिवार को डॉक्टर केशव सिंह को विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार एसएस शर्मा और अन्य शिक्षकों ने बधाई दिया। पदभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर केशव सिंह ने अपने सभी शुभेच्छुओं को हार्दिक स्वागत किया और कहा कि इस नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा और विश्वविद्यालय के नाम को रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। समाज में अच्छी इमेज बनाने का काम करेंगे जिससे राष्ट्रीय सेवा योजना का नाम हो। प्रधानमंत्री की योजना को सफल बनाने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए सभी को अपने साथ लेकर चलूंगा। गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर केशव सिंह ने कहा, देखिए, मैं एक तो सारे शुभेच्छुओं के प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ, कुलपति जी के प्रति, रजिस्ट्रार साहब के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे नई जिम्मेदारी दी है राष्ट्रीय सेवा योजना में कार्य करने के लिए। तो मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के नाम को रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत करके मैं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रमों को ठीक से चलाऊँगा। दूसरी बात ये कि हमारे जो युवा हैं उनको मैं हर तरह से जो भी सोसाइटी के लिए बेहतर होगा उनको वहाँ पर भेज करके लोगों को तमाम चीज़ों के प्रति हम जो है जागरूक करेंगे और समाज में हम एक अच्छी इमेज बनाने का प्रयास करेंगे जिससे कि राष्ट्रीय सेवा योजना का नाम हो, गोरखपुर विश्वविद्यालय का नाम हो, गोरखपुर का नाम हो। हमारी यही प्राथमिकताएँ हैं कि हम सारी चीज़ों को और सबको साथ लेके चलें, मेहनत करें। विशेष करके हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है स्वच्छता अभियान। हम पहली बात की गोरखपुर विश्वविद्यालय के अपने कैंपस को साफ़ सुथरा करने के लिए अपने स्वयंसेवकों को साथ लेकर के मैं चलूँगा। उनको यहाँ अपने कर्मचारियों को, छात्रों को, छात्राओं को, अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से मैं उनको अवेयर करूंगा कि कैसे साफ सफाई रखी जाए, क्योंकि व्यक्तिगत लेवल पर यदि उनको हम जानकारी देते हैं, उनको अवेयर करते हैं कि ये अपना घर है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको हम साफ़ सुथरा रखें, और ऊपर से और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोगों को संसदों के माध्यम से लोगों को हम जानकारी देंगे।